स्वामी धर्मदेव, मनोहरलाल जी खट्टर, ये वो, इन इनका इनका काला चिट्ठा, आने वाली सरकार जब आएगी सत्ता में, इनके इनके खिलाफ इंक्वायरियाँ होंगी, जो समाज के नाम का भी पैसा अपने अकाउंट में जमा करा कर उसका हिसाब नहीं दे रहे, और जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं उनको पर्दाफाश किया जाएगा। हम ये भी कहेंगे कि ये मैनिफेस्टो के अंदर भी ये चीज़ें दें, हरियाणवी पंजाबी वेलफेयर बोर्ड का गठन हो। मैंने ये बात मनोहरलाल खट्टर के सामने भी रखी थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 साल के पीरियड में मनोहरलाल खट्टर की सरकार, और मनोहरलाल खट्टर जी तो अपने साथ तो खट्टर भी नहीं लिखवाते थे, कोई डेलीगेशन मिलने जाता था तो वो कहते थे ये पहला चीफ मिनिस्टर है। हर चीफ मिनिस्टर जो जिस समाज से आया है उसका तो फख्र से कहता है कि हाँ मैं इस समाज का आदमी हूँ, लेकिन ये पहला मुख्यमंत्री है जिसको इस बात की भी शर्म और लज्जा आती थी कि मैं पंजाबी समाज से ही नहीं हूँ। वो तो कहते थे कि नहीं नहीं मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। और इन्होंने आज तक हमारे समाज के लिए जिनसे बहुत बड़ी अपेक्षाएं थी कुछ भी नहीं किया। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि हम भी अपने समाज को इस बात के लिए बात करें, और उनको धर्मदेव जी जो पटौदी के जो वो हैं स्वामी हैं, उनके अकाउंट में 100 करोड़ के करीब पंजाबी समाज का पैसा इकट्ठा हुआ और उनके अकाउंट में गया, और अश्विनी जी की डेथ के बाद उस पैसे का कोई पता नहीं। उन्होंने अपने आप ही फर्जी तरीके से उसको तय उम्र अपने आप को चेयरमैन घोषित कर दिया, और वो ज़मीन आज तक वो हाईकोर्ट में केस चल रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी, मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए सबसे पहले, क्योंकि समाज के साथ जो इन लोगों ने धोखा किया है, जो समाज के साथ इन्होंने ठगी की है, उसकी जाँच हो और जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो एक तो हमारा सबसे पहला मुद्दा ये है जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। आज पंजाब केसरी की 5 कॉलम की न्यूज़ आई हुई है, और वो न्यूज़ दे रखी है वहाँ से, शायद मेरे ख्याल में कुरुक्षेत्र से लगी है। ये अखबार कहाँ है जी आपके पास? ये पड़ी है कुरुक्षेत्र से, हाँ कुरुक्षेत्र से लगी है। और उसमें ये दिया है कि 14 तारीख को कुरुक्षेत्र में एक जो लोग 1947 के बाद उजड़ के आए थे, और ये दे रखा विभाजन का दंश झेलने वाले पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगा रही है सरकार। हाँ ये कुरुक्षेत्र से लगी हुई है, कुरुक्षेत्र में कर रहे हैं। हमारा सम्मेलन है कांग्रेस पार्टी ने जो ऑलरेडी 18 तारीख को एक पंजाबी सम्मेलन करनाल में रख रखा है, उसी के मद्देनज़र उन्होंने एक हर चीज़ वो कर रहे हैं जो कांग्रेस अपनी जो प्रोग्राम देती है, तो बीजेपी वाले उसके मुताबिक अपने प्रोग्राम छापने शुरू कर देते हैं। हमारा 18 को करनाल में, उन्होंने 14 को कुरुक्षेत्र डेट पहले रख दी, पर हमारा एक महीना हो गया अनाउंस किया, अनाउंस किया। हाँ जी, हाँ जी। अब जो मैं कहने का मेरा मतलब ये है, मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि इसी मनोहरलाल जी खट्टर ने, इसी बीजेपी की सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में जो प्रोग्राम अब 14 तारीख को करने जा रहे हैं, वो उन्होंने पहले 3 बार बाकायदा अनाउंसमेंट करके, घोषणा करके, जिस चीज़ की अब वो स्मारक बनाने की बात कर रहे हैं, शहीदी स्मारक वहाँ पर बनाया जाए कुरुक्षेत्र में, उसकी उन्होंने 3 बार ये घोषणा कर चुके हैं। पहली घोषणा तो की इन्होंने 2008 में कुरुक्षेत्र में बनेगा, मैं आपको पूरा इसका रिकॉर्ड भी दूंगा। फिर इन्होंने की दूसरी 15 दिसंबर 2015 में, और इसी मनोहरलाल खट्टर जी की देखरेख में, उस वक़्त पंचनंद के बैनर के नीचे उन्होंने ये रैलियां रखी, और स्मारक बनाने के लिए उन्होंने घोषणा की कि पंचनंद ट्रस्ट हमें 25 एकड़ ज़मीन दे और सरकार 200 करोड़ का वहाँ पर स्मारक बनाएगी। ठीक, फिर दूसरी उन्होंने घोषणा की कि 25 एकड़ ज़मीन अब तक हमें नहीं मिल पाई, वो ज़मीन दे और अब 200 की बजाय 300 करोड़ रुपये सरकार उसके ऊपर खर्च करेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि तीसरी घोषणा फिर हुई, लेकिन आज तक एक ईंट भी इन शेरों ने, इन बीजेपी की सरकार ने कभी नहीं, ईंट भी नहीं रखी। और अब एन इलेक्शन के वक्त पे एक सिर्फ वोटर्स को लुभाने के लिए, और हमें क्योंकि हम तो जो बात कांग्रेस पार्टी तो जो कहती है वो करती है, वो उन्होंने उसको काउंटर करने के लिए अब 14 तारीख को कुरुक्षेत्र में मीटिंग की है। मैं जो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो 10 साल के कार्यकाल में
जहाँ पर इनका इनकी इनकी सरकार रही, मेजोरिटी में सरकार रही, और उस वक्त अगर एक इंट नहीं लगा सके, उनकी घोषणाएं थोथी हुई, तो अब 14 तारीख को जबकि सबको पता है कि आने वाली सरकार, अब की बार विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी आने जा रही है, कांग्रेस गवर्नमेंट बनाने जा रही है, तो तुम क्या करोगे? क्यों लोगों को बरगला रहे हो? क्यों झूठ का पुलंदा इकट्ठा कर रहे हो? एक दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अब पंचनंद का तो ओरिजिनल चेयरमैन अश्विनी जी मिन्ना, जो पंजाब केसरी दिल्ली के मालक जो बेचारे नहीं रहे, वो थे, और उन्होंने मेहनत करके पंजाबी समाज के लिए पैसा इकट्ठा किया और ज़मीनें ली, जो आज तक वो ट्रस्ट इन्होंने रजिस्टर नहीं करवा पाए। और धर्मदेव जी जो पटौदी के जो वो हैं स्वामी हैं, उनके अकाउंट में 100 करोड़ के करीब पंजाबी समाज का पैसा इकट्ठा हुआ और उनके अकाउंट में गया, और अश्विनी जी की डेथ के बाद उस पैसे का कोई पता नहीं। उन्होंने अपने आप ही फर्जी तरीके से उसको तय उम्र अपने आप को चेयरमैन घोषित कर दिया, और वो ज़मीन आज तक वो हाईकोर्ट में केस चल रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी, मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए सबसे पहले, क्योंकि समाज के साथ जो इन लोगों ने धोखा किया है, जो समाज के साथ इन्होंने ठगी की है, उसकी जाँच हो और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो एक तो हमारा सबसे पहला मुद्दा ये है जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। और मैंने भी कुछ, क्योंकि ये जो 18 तारीख को हमारा पंजाबी सम्मेलन है, जिसकी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसके मुख्य अतिथि होंगे, उदय भांजी भी सह मुख्य अतिथि होंगे, और अध्यक्षता बत्रा जी, और अध्यक्षता भूषण बत्रा जी के मुताबिक, और सभी जो लीडरान और पंजाबी समाज के रोहतक में आए थे, उन्होंने भी मेरे से आग्रह किया कि आप इसकी अध्यक्षता करोगे। तो मैंने उसको सह स्वीकार किया, और मेरी जो मुख्य मांगे थी वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो क्या है? नंबर एक, पंजाबी हरियाणवी पंजाबी वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जावे। हरियाणवी पंजाबी वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जावे, और उसके तहत जो 1947 के बाद जो हमारे समाज के लोग स्थापित हुए यहाँ पर, और कुछ ऐसी समस्याएं जिनकी वजह से आज पूरा आधा गांधी कैंप और पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ पंजाबी समाज के लोग स्थापित हुए हैं, वहाँ आज भी उनकी दुर्दशा के शिकार हैं। कारण, अब मान लो गांधी कैंप है, वहाँ 20-20, 30-30 गज की कोठियाँ हैं, उनको अलाटमेंट लेटर तो दे दिया, लेकिन सरकार ने रजिस्ट्री नहीं करवाई। वो पानी का बिल भर रहे हैं 75 साल से, बिजली का बिल भर रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, लेकिन वो किसी बैंक से 2 लाख का 3 लाख का लोन भी नहीं ले सकते, अपना मकान नहीं बना सकते, कोई कारोबार नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जिनको पूरा करने के लिए एक वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा, और वो उसके अंदर मांग रखी जाएगी पार्टी के सामने, ताकि वो अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए तो उस मांग को पूरा करे। एक नंबर दो, जो हमारी मांग है कि जो स्मारक इन्होंने 10 साल बीजेपी की सरकार ने झूठे वादे करके एक ईंट नहीं लगाई, हम सरकार बनते ही पहली कलम से जो लाखों लोगों ने शहीद हुए, जो कुर्बान हुए इस देश के लिए, एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा, और उसकी घोषणा उस दिन हम चाहेंगे कि जो लीडर हमारे उस सम्मेलन में आए वो उसकी घोषणा करें। दो, तीसरा, हमारी आबादी के अनुपात से रिक्रूटमेंट में सभी, हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते, हम चाहते हैं समानता के हिसाब से जो हमारा शेयर बनता है उस शेयर के हिसाब से हमें नौकरियों में, कॉरपोरेशन में, हर जगह पर हमें स्थान मिले। चौथी मांग ये कि आबादी के हिसाब से हमारी 25 से 30 कॉन्स्टिट्यूंसीज में पंजाबी समाज के लोग ही मैटर करते हैं। आज जाटों के बाद दूसरी संख्या बल के हिसाब से हमारे समाज की आबादी है। हम ये चाहते हैं कि 20 से 25 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारे समाज को विधानसभा की टिकटें दी जाएं, ताकि विधानसभा में जाके हमारे समाज की बातों को पुरजोर तरीके से उठा सकें। 3 लोकसभा की और 1 राज्यसभा की सीट दी जाए। वो भी मैंने उस आधार पे हमने ये खाका मांग पत्र तैयार किया है कि 3 लोकसभा के मेंबर हमारे समाज के रहे हैं, कुरुक्षेत्र से सरदार हरपाल सिंह, फरीदाबाद से चौधरी भजन लाल, और करनाल से तो आप देखने लग रहे हो अब तक जितने भी, चाहे अश्विनी चोपड़ा जी बने, चाहे अब भाटिया साहब हैं, चाहे कोई भी मतलब के खट्टर साहब बने, तो वहाँ संख्या बल के हिसाब से वो लोकसभा सीट भी, चौधरी भजन लाल भी बने। तो ये 3 पार्लियामेंट की, 1/5 में से राज्यसभा की, और 20 से 25 विधानसभा की सीटें दी जाएँ।